हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ कैंसर राशि वालों के लिए। ठीक है, कर्क राशि वालों के लिए ये महीना कैसे रहने वाला है आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि ये है यू वर्सेस देम रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग के कॉन्टैक्ट में आएंगे, आप इसमें दी गई गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ। मैं आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ, आप प्रे कीजिए गाइस, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब ठीक से मिले। एक्यूरेट रीडिंग निकल के आती है ऐसे। ठीक है, जिस भी हाई पावर पे आपको भरोसा है, आप उनका नाम ले लीजिए, ताकि आपको मेरी इस रीडिंग, इस वीडियो के थ्रू आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए कि आप किस तरह से अपने इस रिलेशन को बेहतर बना सकते हो। कर्क राशि वालों के लिए है ये रीडिंग। काफी कंफ्यूजन दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे कैंसर राशि वालों के लिए। हर रीडिंग में द लवर्स कार्ड निकल रहा है आज, तो दिख तो रहा है कि सबके रिलेशन अच्छे होने वाले हैं। पेन है, कंफ्यूजन है, क्योंकि आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, इससे तकलीफ होती है। इगोस्टिक भी हैं आपकी, मतलब किसी के सुनते ही नहीं है आपके पार्टनर, थोड़े से जिद्दी हैं बट प्यार भी करते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आपके और आपके पार्टनर के लिए फील हो रही है। ठीक है, आप कुछ जस्टिस के मूड में तो दिख रहे हैं। ये जस्टिस का कार्ड यहाँ पे मेरे पास आना, यह दिखा रहा है कि आपको जैसे कुछ मिल गया है, आपको कुछ पता चल गया है, आप पूरे से बैलेंस में हो, सही वक्त का आने का इंतजार कर रहे हो। और बिल्कुल भी यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो लेडी है ना, ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, ये आप हो सकते हो यहाँ पे। तो ध्यान, अगर मैं बात करूं तो आपके साथ कुछ ऐसा है कि आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ छुपाते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, तब आपको उनका वो उनकी हर चीज पता चल जाती है। यहाँ पे ईगो भी दिख रही हूँ, जिसकी वजह से आप परेशान होते हो, है ना। आपके पार्टनर आपको तंग करते हैं, तभी तो है ये कार्ड यहाँ पे, क्योंकि आपको तकलीफ तो है। तकलीफ क्यों हो रही है, देखिए आपके पार्टनर इतने ज्यादा कंफ्यूज है। मुझे एक टाइम पे उनको तो सब कुछ चाहिए, वो किसी चीज को छोड़ना ही नहीं चाहते, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, जिस वजह से वो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। और अगर आप समझाने भी जाते हो, उनको समझ नहीं आता है, उल्टा आपको ही यानी कि बोल देते होंगे कि नहीं, जैसे कि वही उनको सब पता है, आपको तो कुछ समझ ही नहीं है, सारी समझ उनके अंदर है। तो इस चीज से अब आप जस्टिस के मोड में आ गए हो, अब आप अपने अंदर बैलेंस बना के बैठे हो कि जो होगा देखा जाएगा। अब आप उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे हो, क्योंकि उनका जो नेचर है ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब आपने भी शायद उनको बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि आपको भी पता है कि दीवार के साथ सर फोड़ने से कुछ होना तो है नहीं। आप
अगर मैं प्यार की बात करूं, देखिए प्यार तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के दिल में, प्यार तो आपके दिल में भी है, ये कार्ड मुझे दिखा रहा है द लवर्स कार्ड, कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बट कंफ्यूजन की वजह से झगड़ा होता है। कंफ्यूजन तो बहुत ज्यादा है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अब देखिए द लवर्स के साथ आ रहा है द टावर, कंप्लीटली ऑपोजिट कार्ड है, ये दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड हैं। ये दिखा तो रहा है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है, लेकिन प्यार बना हुआ है, भले ही आप दोनों अलग रह रहे हैं, आपको लग रहा है कि शादी नहीं हो सकती, ये भी आपको पता है, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो आप, लेकिन प्यार फिर भी है, अलग होके भी अलग नहीं हो, जुड़े हुए हो एक दूसरे के साथ। हाँ, कुछ लेडी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों की लाइफ में, उनकी वाइफ है, उनके हस्बैंड है, ये भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी भी है, यहाँ पे प्यार, ईगो, गुस्सा, इग्नोरेंस, सब कुछ दिख रहा है आप दोनों के रिलेशन में। वैसे रिलेशनशिप में ये सब चीजें होती भी हैं, वो हर कुछ आपके रिलेशन में मुझे दिख रहा है। प्यार करना है तो बहुत अच्छे से प्यार करना है, गुस्सा करना है, बिगाड़ना है रिलेशन तो बहुत अच्छे से बिगाड़ना है, ऐसा आपके पार्टनर का नेचर है, और यही कुछ हो रहने वाला है। अभी भी आप ऐसे बहस होती रहेगी तो बेहतर है कि आप बैलेंस बना के चलिए इस महीने, अपनी एनर्जी को, आपको ऐसी एनर्जी में रहना है, ठीक है। आपको उनको कुछ रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, कुछ बोलना नहीं, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, उनको उनके हाल पे छोड़ के थोड़ा सा अलग हो जाओ उनसे, ताकि उनको जो करना है वो एकदम से कर ले, बिगाड़ सकते हैं जितना बिगाड़ सकते हैं वो उनको बिगाड़ने दीजिए, उनको अपने आप समझ में आ जाएगा। जब उनको समझ में आएगा कि हाँ ये तो सच में बिगड़ गया, यही तो वो बोल रहे थे, यही तो वो बोल रही थी, लेकिन हम नहीं समझे। कुछ लोगों को होता है ना कि खड्डा, अगर आप बोलोगे कि सामने खड्डा है, सामने खड्डा है, तो उनको तो यही लगेगा कि नहीं भी आपको तो ऐसे ही हो, जब तक कि वो खड्डे में गिर नहीं जाते, और जब खड्डे में गिरेंगे उनको पता चल जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा, फिर उनको एहसास होगा, फिर उनकी एनर्जी में चेंज भी आएगा, और फिर से वो आपको वही प्यार करने लगेंगे जैसा कि वो करते थे। ऐसा आपके इस महीने होने वाला है। आपको हीलिंग करते रहना है, शायद आप हीलर हो, ये हीलिंग कर रहे हो, ऐसा मुझे आप दोनों आपके रिलेशन में लग रहा है। देखिए सोल में ट्विन फ्लेम और सेवन चक्रास पे इनर वर्क हो रहा है, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट हुआ है, ये सब कुछ मैं देख रही हूँ आप लोगों के रिलेशनशिप में। काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और आप अपने अंदर बिजी रहो इस वक्त, हीलिंग करो, अपने सेवन चक्रास पे बैलेंस करते रहो, आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलने वाले हैं। इस बार की गाइडेंस आपके लिए यही है कर्क राशि वालों के लिए, तो ज्यादा आपको नहीं सोचना है, और देख लेते हैं और गाइडेंस क्या निकलती है आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर, देखिए अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ना ईगो की वजह से तो बहुत खराब हो रहे हैं, ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है,
तो ऐसी एनर्जी बार बार आ रही है कि इस वक्त आपके पार्टनर तो यही सब कुछ कर रहे हैं और इस वजह से ही शायद आप अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हो। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप इस वक्त अपने पार्टनर को समझाने की बजाय सारा फोकस अपने ऊपर कर लेते हो, अपने चक्रास बैलेंसिंग के ऊपर कर लेते हो, क्योंकि कनेक्शन तो आपका स्ट्रोंग है, भले ही इस वक्त अगर आप अपने पार्टनर को समझाने भी जाएंगे ना तो वो समझेंगे भी नहीं, तो आप उनको मत समझाओ। इस वक्त सारा फोकस आपको अपने ऊपर शिफ्ट कर लेना है, अपने इनर वर्क पे ध्यान लगाना है। जैसे जैसे आप पॉजिटिव होते जाओगे, आपके पर्सन की एनर्जी मुझे चैलेंज मतलब चेंज होती हुई दिख रही है। चैलेंजेस तो है बट इस वक्त आपको अकेले ही आगे बढ़ जाना है, पीछे मुड़ के अभी इस वक्त मत देखो, ठीक है? तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी ही आप दोनों के बीच में द लवर्स की एनर्जी आ रही है, प्यार फिर से मतलब बन जाएगा। बिल्कुल भी होपलेस होने की जरूरत नहीं है कि ये कनेक्शन कट हो गया है या आप दोनों अलग हो गए, अब तो कुछ हो नहीं सकता। देखिए बहुत कुछ होना है अभी तो आप दोनों के रिलेशन में। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आपको, बिल्कुल भी इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। अगर आपको पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, समझ नहीं पा रहे हो, खोने का डर है, तो यस आपके अंदर ब्लॉकेज है, तो आपको उन ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना चाहिए। प्यार आ जाएगा, ब्रिंग लव इन टू सिचुएशन। तो जरूरत तो है आपके पार्टनर को लिए भी ही, ये कार्ड तो मुझे आप यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लिए ही गाइडेंस है। अपने इस रिलेशन में प्यार लेके आए, कम्युनिकेशन इज अ की, ठीक से कम्युनिकेशन करें। अगर आपका कम्युनिकेशन हेल्दी नहीं है तो डेफिनेटली ये रिलेशन फिर एस ये टावर मोमेंट नहीं जाएगा। इस वक्त आपके सिचुएशन में टावर मोमेंट है क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। तो अगर इस वक्त आपके पार्टनर समझ भी नहीं रहे हैं तो आपको इस वक्त चुप रहना है, हेल्दी कम्युनिकेशन हो इस बात का कनेक्ट आप ध्यान रखो। आर्गुमेंट होने लगे हैं तो जाहिर सी बात है इस वक्त चुप रहना है आपको। तो यह है गाइडेंस आपके लिए। लाइक कर दीजिए गाइस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आप देखते रहे। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।